इसमें सावर लेके आ गई हूँ और बाल को थोड़ा सा मैं बांध लूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जया। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, ये भी मंडे का ब्लॉग है और आप लोग मंडे मॉर्निंग का ब्लॉग ऑलरेडी मेरा देख चुके हैं। तो मैं आप लोगों के साथ रूटीन ब्लॉग शेयर करी थी मंडे मॉर्निंग का और आप लोगों ने उस ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों को। तो जस्ट मैं सावर लेके आई हूँ और मंडे मेरा फास्टिंग रहता है, मैं आप लोगों को पहले ही बताती हूँ इससे पहले वाले ब्लॉग में। तो फास्टिंग है, मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मेकअप कर लूँगी क्योंकि मुझे बाहर जाना है, इसलिए मैं यहाँ कम्पैक्ट लगा रही हूँ ताकि स्वेट ना आए मुझे। सो गाइस, मैं पूजा का जो सब लेना था वो सब ले रही हूँ, अब जाऊँगी मैं मंदिर। सो गाइस, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज ये सारा कुछ मैं ग्रीन ग्रीन करी हूँ और ये चूड़ी भी मैं ग्रीन डाल रही हूँ। तो चलिए, बादल बहुत तेज आए थे, मुझे लगा कि बारिश होने लगेगी ना, तो फिर मेरा मंदिर जाना ना, मतलब बारिश के बाद ही जा पाऊंगी, बट बादल चली गई, थैंक गॉड कि अब मैं भींगूंगी नहीं। तो सावन में ग्रीन पहनना ना मुझे बहुत, मतलब सभी ग्रीन पहनते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है ग्रीन पहनना। और मैं ना मेहंदी भी जल्दी लगाऊंगी, सावन का मेहंदी स्लीपर भी पहन लेती हूँ। चलिए चलते हैं। बादल आ गए थे, बहुत तेज बारिश होने वाली थी, बट मुझे लगा कि कैसे मंदिर जाऊंगी, बट बादल चली गई, कोई नहीं। अब मैं थोड़ा सा गेट खोल देती हूँ क्योंकि दोनों हाथ मेरा इंगेज है। वो आ गई थी, लिफ्ट भी खाली है, तो मैं आज लिफ्ट में अकेले ही राज करने वाली हूँ। और ये रहा मेरा लुक। सो गाइस, बादल जो लगे हैं ना, सो वेदर बहुत ही अच्छा हो गया है, धूप बिल्कुल ही नहीं है, तो मुझे मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बल्ले बल्ले, मुझे लग रहा था धूप तेज रहती है ना, तो बहुत मुझे धूप में निकलना ना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे लिए, तो आज धूप नहीं है इसीलिए सही है। सो गाइस, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस है मेरे सोसाइटी में ना, मंदिर नहीं है इसलिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। सो गाइस, आज मुझे दूसरे गेट से इस मंदिर में आना पड़ा, तो काफ़ी दूर चल के यहाँ पहुँची हूँ। वो जो उधर जो है ना, वो वाली गेट, उधर वाले गेट से आती थी मैं और आज आई हूँ इस वाले गेट से, इतना दूर चल के मुझे आना पड़ा। ये वाली गेट पता नहीं क्यों बंद कर रखा है, ये वाली जो गेट है ना, यहाँ दिख रही है, यहाँ ये वाली गेट बंद कर रखा है और ये गेट भी बंद कर रखा है। मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। दो में ही कंफ्यूज हो रही है, अब मेरा बनाओ। तो गाइस, यहाँ से मैं ये फूल ले रही हूँ, फूल बेलपत्री सब जितना भी कुछ है ना मैं ले रही हूँ, अब करूँगी भगवान जी का पूजा। अच्छी सी हो गई और अभी इस टाइम में आती हूँ ना, ये दुपट्टा ठीक करना है, इस टाइम में आती हूँ ना तो मतलब क्राउड ना ज़्यादा नहीं रहता, मतलब भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं रहती है, तो अच्छे से पूजा कर पाती हूँ। तो अच्छे से मेरी पूजा हो गई, अब मैं जा रही हूँ। बट मिल्क यहाँ ख़त्म है,
एक्चुअली मैं ना आजकल जैसे डेयरी प्रोडक्ट कुछ खाती नहीं हूँ, तो मिल्क भी जो मैं मंगाई ना बस पूजा के लिए मंगाई, और मुझे याद ही नहीं था कि मेरा फास्टिंग है आज, मिल्क चाहिए होगा। तो मिल्क यहाँ मिला नहीं, बस आम और वो क्या बोलते हैं केला मिला है, तो वही खा के आज मेरा फास्टिंग हो जाएगा। देखती हूँ ब्लिंकिट से मिलेगा तो मंगा लूँगी। बिल्कुल यहाँ ख़त्म था। टेस्ट करना भूल गई और 14 नंबर पे चली गई, जो कि मेरा मुझे ना उतरना था 10 नंबर पे। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्या ही बताऊँ, हम मोबाइल बिजी होते हैं और कुछ से कुछ हो जाता है। सो गाइस आ गई मैं घर, और घर में भी आके पूजा की हूँ, और ये जो सिंदूर लगाई हूँ ना पूरा, अब होगा भोजन। और भोजन में आज क्या बोलते हैं फास्टिंग का भोजन होगा, तो बनाना और मिल्क खाऊंगी। एक जस्ट को ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ना ये क्या बोलते हैं धूप जो जलाती हूँ ना पूरा घर में स्मोक भर जाता है, तो एक जस्ट को कर दी हूँ मैं ऑन। और अभी सासू मम्मी आ रही है, सासू मम्मी अभी कितना 1 वीक हो गया, 1 वीक से टूर पे है, मथुरा वृंदावन उसके बाद आगरा पूरा घूमी है। तो दोनों मामी थी और पीसी थी मेरी, मतलब बुआ बुआ सास, दोनों मामी सास, दोनों मामा ससुर जी और पीसा ससुर जी और मम्मी, मतलब चारों का जो ग्रुप था ना, मतलब सात जन थे, सातों का जो ग्रुप था ना, सब बहुत घूमे हैं, मथुरा वृंदावन पूरा धाम घूम लिए हैं। तो आज मम्मी आ रही है, और अभी अभी मतलब मैं कॉल कर करके थक गई, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, इतना बिजी थी। मैं बोली चलो कोई नहीं, बहुत दिन बाद फ्री हुई है मम्मी तो थोड़ा घूमने देती हूँ। और अभी मेरे देवर जी आ रहे हैं और मम्मी आ रही है, दोनों मतलब देवर जी मम्मी को लेके आ रहे हैं, तो मैं फलाहार कर देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। पनीर तो बनाई हूँ क्योंकि लंच का टाइम है नहीं, उन लोग का लंच करके ही आ रहे हैं, तो देखती हूँ कुछ नाश्ता ये सब बनाना होगा बना लूँगी, पहले करूँगी मैं फलाहार, बहुत तेज भूख लग गई है मुझे। तो आज ना मैं बनाना और दूध खाऊंगी, या मैंगो ले आई हूँ, मैंगो दूध ये सब खा लूँगी कुछ, क्योंकि आज फ्रूट्स पे ही चलना है। खीर ये तभी नहीं खाती ना मैं आज, मंडे को बस फलाहार ही करती, फलाहार खाऊंगी। तो गाइस मैं सुपरमार्केट गई थी और ये कुछ फ्रूट्स लेके आई हूँ, और मैं पैसा दे दी हूँ आंटी को और कुछ फ्रूट्स लेके वो आएगी। तो मुझे मिल्क लेना था मेन, बट मिल्क मुझे कहीं मिला नहीं, तो अभी इसी मिल्क के साथ ना मुझे आज रात तक चलाना होगा। तो चलिए फलाहारी कर देती हूँ। और हाँ आज ना मेरी सासू मम्मी आ रही है, तो आप लोगों को मैं नहीं बताई थी कि मेरी सासू मम्मी ना काफ़ी दिनों से टूर पे है, तो वो मथुरा वृंदावन आगरा और जितने सारे रिलेटिव हैं ना सबके यहाँ मिलने गए थे और पूरा घूम के आज आ रहे हैं। तो काफ़ी दिन हो गया था सासू मम्मी को गए हुए, तो आना मतलब आना था उनको संडे, और संडे ना आके मैं सोची कि संडे आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, और आज आ रही हैं। तो आज मेरा फास्टिंग था, और साथ में मेरे जो देवर हैं ना, मतलब मामी का जो मतलब बड़ा लड़का, मामी सास का बड़ा लड़का, वो भी साथ में आ रहे हैं। तो आज फास्टिंग के दिन ना मुझे लगता है कैसे क्या करूँगी, देखती हूँ मैनेज तो कर ही लूँगी मैं। काफी देर के बाद ये पानी नसीब हुआ है, और मेरी हैबिट है कि खाने से पहले मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, उसके बाद कुछ भी खाती हूँ उसके बाद भी। तो यही आज का मेरा फलाहारी है, मैंगो और मिल्क में, ज़्यादा कुछ खाती नहीं, जब फास्टिंग रहता है ना तो होता है जितना कम खाओ ना मुझे उतना अच्छा लगता है, मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे। तो चलिए खा लेती हूँ, और सासू मम्मी भी पहुँचने ही वाली है। सो गाइस आ गई है मम्मी और देवर जी, चाय बना रही हूँ। तो सासू मम्मी और देवर जी आ गए, और थोड़ा बहुत बैठ के हम बातें किए, और आ गई हूँ मैं देवर जी के लिए चाय बनाने के लिए। और कोई चाय पीने वाला मिल जाए ना तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी की बात ना कुछ नहीं लगती है। तो साथ में बैठ के मैं भी थोड़ा सा चाय पीऊँगी, और मम्मी से अभी बातें करने के लिए ना बहुत सारा है, क्योंकि सासू मम्मी पूरा घूम के आई है, क्या कैसे हुआ वो सब सारा कुछ सुनाएगी। तो मैं आप लोगों से ना बहुत देर बाद यहाँ मिल रही थी, इसलिए मैं यहाँ हाय बोल रही थी। तो खाना खा ली थी, वो मतलब फलाहारी कर दी थी, और बहुत देर रेस्ट करी, उसके बाद आई सासू मम्मी
मम्मी और देवर जी, क्योंकि वो लोग ना थोड़ा सा जाम में फंस गए थे, तो 1-1.5 घंटा उन लोगों को लेट हो गया। तो ये रही मेरी चाय, अब बैठ के मैं बातें करूँगी और चाय पीऊँगी। सासू मम्मी से काफ़ी सारा बात करके और तब तक आ गई मेड आंटी। तो मेड आंटी को आज मैं सुबह से काम में लगी हूँ यार, थोड़ा सा भी सांस लेने का फुर्सत नहीं मिला है, तो मंडे मेरा ऐसा ही जाता है। तो ये सब मैं मेड आंटी को दी थी लाने के लिए, तो ले आई है, तो ये सबको मैं फ्रिज में लगा दूंगी। अगर बाहर छोड़ूंगी ना तो ये सब तुरंत ही ख़राब हो जाता है, गर्मी बहुत पड़ रही है ना इसीलिए, तो फ्रिज में लगा दूंगी। उसके बाद देखती हूँ होगा तो मम्मी नाश्ता क्या करेगी ना, पूछ लेती हूँ, क्योंकि जब आई थी तो पूछी थी तो बोली नहीं नहीं मैं अभी कुछ नहीं खाऊंगी, अभी मैं रेस्ट करूंगी। तो बस पानी पी के और मैं सोफा पे बैठ गई थी और कुछ भी नहीं उसके बाद पी, क्योंकि मम्मी तो चाय पीती नहीं है, तो मम्मी के लिए मैं इसलिए चाय बनाई नहीं। तो मैं अब बनाऊंगी मम्मी जी के लिए नाश्ता। तो मम्मी नाश्ता में ना ये चूड़ा का जो भुजा होता है ना वही खाना पसंद करती है, तो रिफाइंड ले रही हूँ, उसको अच्छी तरीके से गर्म कर रही हूँ, इसमें डाल दी हूँ पोहा, हमारे यहाँ तो इसको चूड़ा बोलते हैं, तो चूड़ा डाल दी हूँ और इसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर दूंगी, और जो बचा हुआ चूड़ा है इसको मैं डब्बे में डाल दूंगी। तो ये जो चूड़ा का भुजा होता है ना वो मेरी सासू मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, तो डेली वो इवनिंग स्नैक्स में ना यही खाती है। और मेरे देवर जी से मैं पूछी कि कुछ बना देती हूँ, और तो बोलते नहीं नहीं मैं भी चूड़ा का ये भुजा जो होता है ना वही खा लूंगा, मतलब हमारे। तो ये चूड़ा का भुजा हमारे यहाँ बिहार में इवनिंग स्नैक्स में बहुत ज्यादा ही फेमस है, तो आप लोग जो बिहार से देख रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो गाइज आप लोग अभी देखे होंगे कि जो किचन में अभी बात कर रही थी ना वही मेरी सासू मम्मी है। तो आप लोगों को ना मैं अगर रहेगी इस बार तो मैं आप लोग के साथ ना ज़रूर ब्लॉग शेयर करूंगी कि मम्मी के साथ क्या कैसे मैं करती हूँ, और नहीं रही क्योंकि मम्मी जब भी आती है ना बहुत मतलब बहुत जल्दी वो चली जाती है, तो इसीलिए मुझे लगता है अगर रह गई तब तो ब्लॉग मतलब कैमरा सही है, थोड़ा धीरे धीरे करके ना ब्लॉग में लाना पड़ेगा मम्मी को। तो देखती हूँ रहेगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी सारा कुछ। तो गाइज मैं पोहा को फ्राई करके रख रही हूँ, थोड़ा सा अनियन काटती हूँ, और ये पापड़ जो है ना इसको मैं ऑयल में फ्राई करूँगी। तो ये जो चूड़ा का भुजा होता है ना उसकी रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जो बिहार से देख रहे हैं उनके लिए तो कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ जो इवनिंग स्नैक्स में ना वो डेली ही बनता है, तो उनके लिए कॉमन है, बट जो बिहार से नहीं है ना उन लोगों के लिए ये न्यू रेसिपी होगा। तो मैं सोची चलो, और ये ना मेरे मतलब मेरे घर में आज आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे बनते हुए, क्योंकि ये जो चूड़ा का पोहा है ना मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट मैं खुद के लिए ना इतना छाना हुआ जो होता है ना मतलब जो फ्राई हुआ तो वो सब मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, आप लोग को पता है, तो मैं कभी ये बनाती नहीं, और आज सासू मम्मी थी तो मैं सोच चलो आप लोग के साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो पोहा को मैं अच्छी तरीके से रिफाइंड में फ्राई करके निकाल रही हूँ, और पापड़ को ना मैं मस्टर्ड ऑयल में ये इसको भी फ्राई करके निकाल रही हूँ, थोड़ा सा अनियन काट रही हूँ और थोड़ा सा इसमें ब्लैक सॉल्ट डाल दूंगी, और इस सबको ना अच्छी तरीके से हाथ से मैं मिलाऊंगी, क्योंकि ये ऐसे आप स्पून से मिलाओगे ना तो इसका जो टेस्ट है ना वो उतना अच्छा आता नहीं है, इसलिए आप लोगों को हाथ से ही इसको मैश करना होगा। तो जितना सारा पापड़ था ना उसको मैं तोड़ दी हूँ अच्छी तरीके से और इसे मिलाती हूँ, और आप इसमें चाहो ना तो मटर जो होता है ना उसको भी डाल सकते हो थोड़ा सा फ्राई करके या बॉयल करके, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हाँ मैं एक बात ना आप लोगों को बताना, यहाँ मतलब मैं खुद ही भूल गई थी, इसमें ना थोड़ा सा अचार का जो मसाला होता है ना वो डाला जाता है, और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा अचार का मसाला डालोगे ना तो बहुत अच्छा लगता है, बट मैं डालना भूल गई थी, जो मैं अभी डाली हूँ देख सकते हैं आप लोग, इसमें अचार का मसाला थोड़ा सा मिला दी हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। आप लोग कभी इसको शाम को बनाना खाना और चाय के साथ खाना, क्योंकि चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो बस मम्मी को और देवर जी को दे दूंगी, और मेरी फास्टिंग है इसलिए मेरा मुंह बंद है, आज खा नहीं सकती, वरना मुझे ही बहुत अच्छा लगता है ये चूड़ा का भुजा। तो और दूसरे दिन जब भी मैं ये चूड़ा का भुजा बनाती हूँ ना तो मैं मम्मी साथ में बैठ के खाती हूँ, और बहुत ही अच्छा लगता है हम दोनों को ही, और साथ में मैं चाय भी दे देती हूँ तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो यहाँ बन रहा है कद्दू और आलू की सब्जी, और यहाँ बनी है मेरे लिए सौंफ की चाय,
और कुकर में मैं डाली हूँ मूंग। और मूंग का चोखा भी ना बिहार में बहुत फेमस है, कभी आप लोगों के साथ में मूंग की चोखा की जो रेसिपी होती है ना वो भी शेयर करूँगी। तो कुकर में मूंग बॉयल करने के लिए डाल दी हूँ और यहाँ आटा भी निकाल दी हूँ। तो सारा जो डिनर का प्रिपरेशन है ना मैं थोड़ा बहुत कर दी हूँ, थोड़ा बहुत अभी बन रहा है और ये चाय पी लूँगी, उसके बाद बनाऊँगी मैं रोटी। और आटा गूंथना है बस, मतलब आज मम्मी से पूछी कि क्या डिनर बनाऊँ, तो मैं उन लोगों के लिए ना लंच ही बना के रखी थी, बट लंच के टाइम में तो वो लोग काफ़ी लेट आए तो लंच खाए नहीं, तो पनीर ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैं सोची चलो अभी मम्मी से पूछ लेती हूँ क्या खाएगी। तो मम्मी से पूछी तो सासू मम्मी बोली कि जितना सिंपल हो सके ना आज खाना बनाओ, आज मुझे ना कुछ भी हेवी खाने का मन नहीं है। क्योंकि होता ही है यार, जब आप 8-10 दिन बाहर रह जाओ ना तो आप लोगों को, मतलब सबको होता है कि जितना सिंपल खाना घर का मिले ना उतना अच्छा। तो वही हुआ आज मम्मी के साथ, तो मम्मी बोली कि बहुत ही सिंपल खाना बनाओ, तो बस कद्दू आलू की सब्जी बना रही हूँ, रोटी बना रही हूँ और मूंग का चोखा बना रही हूँ। तो मूंग का चोखा का जो रेसिपी है ना वो आप लोगों के साथ मैं कभी शेयर करूंगी। और यहाँ खड़े खड़े मैं चाय पी रही और आ गई हूँ मैं यहाँ रोटी बनाने के लिए। सो गाइस, आप लोगों से जो भी इस चैनल पे न्यू होंगे, मेरी ब्लॉग थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। तो गाइस देवर जी आ गए थे किचन में और बातें कर रहे थे, तो वो फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं ना तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, तो यही बता रहे थे। तो मैं भी ना बोल रही थी कि फ्रिज का पानी मैं भी नहीं पीती हूँ, जब भी पीती हूँ ना मटका का पानी ही पीती हूँ। तो रोटी भी बन गई, डिनर भी बन गया, बस अब मुझे करना है किचन को क्लीन। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों को अपने नेक्स्ट न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।